बिलीफ वर्सेस फैक्ट, आज हम इस बारे में जानेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट चीज है जाननी कि एक तरफ होते हैं हमारे बिलीफ्स यानी हमारा विश्वास, और एक तरफ होते हैं तथ्य फैक्ट। जैसे कि मैं विश्वास करता हूँ कि भगवान है, जबकि कोई नास्तिक है वो बोलेगा भगवान नहीं है। एक आस्तिक व्यक्ति कह रहा है भगवान है, एक नास्तिक व्यक्ति कह रहा है भगवान नहीं है। इट्स बिलीफ, ये विश्वास है। लेकिन सन एग्जिस्ट करता है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है। इसको आस्तिक भी मानेगा और नास्तिक भी मानेगा। तो जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। उन्हें किसी थ्योरी की जरूरत नहीं होती, उन्हें किसी कंसेप्ट की जरूरत नहीं होती, वो होते हैं। उनको आप बिल्कुल महसूस कर सकते हो, आप उनको बिल्कुल जी सकते हो फैक्ट्स को, और फैक्ट्स को आप चुनौती नहीं दे सकते कि आप कह दो कि सूरज नहीं है, बट इट्स देयर, ये है। अब बिलीफ के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि बिलीफ को कोई भी चुनौती दे सकता है, कोई भी उसका विरोध कर सकता है। हाँ, बिलीफ से कई बार प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से लोगों की लाइफ में चेंजेस आते हैं, लोगों की लाइफ में परिवर्तन आता है कि लोग जब बिलीव करने लगते हैं तो उनके न्यूरॉन्स उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगते हैं, और कई लोगों की कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ डिजीजेस वगैरह होती हैं, वो ठीक हो जाते हैं जब वो बिलीव करने लगते हैं कि हाँ हम ठीक हो रहे हैं, है ना। एक तरह का एक सेल्फ हिप्नोसिस ये हो जाता है। बट मैंने बताया कि जो फैक्ट है, फैक्ट को इस चीज से कुछ मतलब नहीं है, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आप उस पर विश्वास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वो चीज अडिग है, वो जहां पर है वो वहीं रहेगी। मैंने बताया कि बिलीफ जो है, विश्वास जो है, ये आपका विश्वास है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है। बिलीफ्स कई बार लड़ाई दंगों का भी रीजन बनते हैं, और बिलीफ्स आधारित होते हैं इमेजिनेशन पर, आपकी कल्पनाओं पर, इसलिए ये रियल नहीं होते। जबकि जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वो हमेशा रियल होते हैं। आपका बिलीफ है कि मेरा देश सबसे अच्छा है, या फिर आपका बिलीफ है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है, जैसे कि मैंने बताया, तो लेकिन ठीक है, आपने बताया ये सारी चीज़ें, लेकिन इसकी वजह से लड़ाई दंगे होते हैं, लोगों का खून बहता है, और समाज में हेट फैलती है, ये फैक्ट है, और ऐसा होता रहेगा क्योंकि ये बिलीफ पर आधारित है। बिलीफ मतलब इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन है, दैट इज इमेजिनेशन हमेशा नकली होती है, इसका कोई फाउंडेशन नहीं होता, ये बस रिपीटेड थॉट्स पर और लोगों की, जो लोगों को अच्छा लगता है, जो लोगों को ठीक लगता है, उसके हिसाब से गैदर हो रखी होती है, और इसमें कन्फर्मिटी होती है, इसमें बार बार एश्योरेंस होती है। लेकिन जो फैक्ट को बहुत कम लोग ही पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि फैक्ट को आप चुनौती नहीं दे सकते। फैक्ट जैसा है वैसा रहेगा, कि डेथ एक फैक्ट है, है ना, मृत्यु एक फैक्ट है, एक तथ्य है मृत्यु। जबकि कई सारे लोग ये बिलीव करते हैं, ये उनका विश्वास है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, यानी कि रीइंकार्नेशन। कई बार जो बिलीव्स होते हैं वो एस्केपिज्म का रास्ता ही बनते हैं, तथ्यों से भागने का। और जो बिलीव्स होते हैं, जो विश्वास होते हैं, ये हमें सत्य तक नहीं पहुंचा सकते, ये हमें अल्टीमेट ट्रुथ तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम बीच में ही ढेर हो गए, हम बीच में ही फंस गए। हमारे अंदर जो इमेजिनेशन में एक ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है, चीज़ों को इमेजिन करता है, वो इस चीज़ से भी अपने आप को बाहर नहीं कर पाया, वो अभी भी इसमें उलझा हुआ है। तो मैंने बताया कि एक व्यक्ति जो सत्य को जानना चाहता है, जो ट्रुथ को जानना चाहता है, वो बिलीफ से, विश्वास से थोड़ा सा आगे होता है, वो तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसीलिए वो, अगर उसको सेल्फ रियलाइजेशन होती है, या फिर अगर उसको गॉड जैसी कोई किसी चीज़ की अनुभूति होती है, तो वो इस चीज़ पर अड़िग हो जाता है, इस चीज़ पर वो फिर
क्योंकि उसने तथ्य की तरह से मान लिया उस चीज को, तो फिर वो विश्वास में नहीं फंसता और वो फिर लोगों को, लोगों के लिए अथॉरिटी नहीं बनता कि वो मेरी बातों पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। नहीं, वो प्योरली फैक्ट्स बेस बातें करता है। तो मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी जो है, मेडिटेशन जो है, बात करें हम अवेयरनेस जो है, ये सारे तथ्यों पर आधारित चीजें हैं। प्रेजेंट मोमेंट, इट्स प्योर फैक्ट, प्रेजेंट मोमेंट, बट हम लोग इससे एस्केप करना चाहते हैं। एक रियल एजुकेशन क्या है, इसके बारे में आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो फिलहाल मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। और इस प्रोग्राम में आपको कुल 24 टॉपिक्स, 24 वीडियोस मिलेंगी, और कुछ मैं आपको गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी दूंगा। तो आप एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है, दैट इज प्योरली बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो आप इस प्रोग्राम को, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर। थैंक यू वेरी मच।